हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 19th ऑफ जैन और है वेनसडे। आज की तारीख से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो पहला आर्टिकल है रेयर अर्थ मेटल्स, आज हम इसके बारे में सब जानेंगे। यह आर्टिकल हमारा GS पेपर 1, 2 एंड 3 में वेरियस टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है कि गाइस अभी US ने कुछ लॉ पास किए हैं अपने लिए, किस लिए, रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाईज के लिए। जो चाइना से रेयर अर्थ मेटल आ रहे हैं उसमें एक बिल पास किया है कि अब हम चाइना से रेयर अर्थ मेटल नहीं लेंगे, अपने यहाँ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाएंगे 2025 तक। रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं अभी हम आगे जानेंगे। इसके की पॉइंट्स क्या हैं, ये हैं रेयर अर्थ मेटल्स 17th मेटलिक एलिमेंट्स होते हैं जिसमें 15th लैंथेनाइड्स होते हैं और दो उसमें आपको जोड़ने पड़ेंगे स्कैंडियम और येत्रियम। ये होते हैं 17 अर्थ रेयर मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स UPSC के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेयर अर्थ मेटल कौन से हैं, चार ऑप्शन दे सकता है, उसमें एक रेयर अर्थ मेटल नहीं देगा जिस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं, ये हैं रेयर अर्थ मेटल्स। ये लैंथेनाइड्स वाली सीरीज हमने 12th में 10th में पढ़ी होगी। ये जो डार्क वाले दिख रहे हैं डार्क ऑरेंज, ये हैवी रेयर अर्थ मेटल्स हैं और ये लाइटर अर्थ रेयर अर्थ मेटल्स हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि यूनिक हैं, ल्यूमिनेसेंट हैं एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और भी इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि इन्हें ऑक्साइड से निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये ऑक्साइड ऑरे में मिलते हैं सबसे ज़्यादा। इंडिया की करंट पॉलिसी क्या है रेयर अर्थ मेटल्स पर, इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सट्रैक्शन होता है रेयर अर्थ मेटल्स का, जो कौन कराती है, ब्यूरो ऑफ माइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, आपको याद रखना है। और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड इसको कंसंट्रेटेड करती है, उसके हाथ में ये सब होता है। इंडियन ये एक मोनोपोली है ओवर द प्राइमरी मिनरल दैट कंटेंस REE, यानी कि रेयर अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो IREL के मोनोपोली में आते हैं। रेयर अर्थ ऑक्साइड्स अभी हमने जाना था, चाइनास की मोनोपोली है, यानी कि चाइना पे बहुत ज़्यादा ये भरे पड़े हैं। एक्वायर्ड ग्लोबल डोमिनेशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, डोमिनेट करता है सब कंट्रीज़ पर, 90% प्रोड्यूस करता है चाइना रेयर अर्थ मेटल्स को, जो कि लेकिन अब जो बहुत सारी कंट्रीज़ इन्हें भी माइनिंग करने लगी हैं, इनकी भी एक्सट्रैक्ट करने लगी हैं, जिसकी वजह से 60% आ गया है चाइना का मोनोपोली, 90% जो प्रोड्यूस करता था वो 60% आ गया है। क्वाड की कंट्रीज़ इनको एक्सट्रैक्ट करने लगी हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। हैवी डिपेंडेंस है चाइनास की इंडिया एंड द वर्ल्ड पर पूरे पे। इंडिया के बारे में जानने के लिए इंडिया में रेयर अर्थ मेटल की क्या पोजीशन है, वर्ल्ड 5th लार्गेस्ट रिजर्वर है हमारे यहाँ रेयर अर्थ मेटल के। 2019 में तो US ने 80% रेयर अर्थ मेटल इंपोर्ट किए हैं चाइना से, यूरोपियन यूनियन ने 98% चाइना से इंपोर्ट किए हैं रेयर अर्थ मेटल। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया रशिया के बीच में पेसेक्स एक्सरसाइज हुए, ये आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये आर्टिकल हमारा GS पेपर 2 एंड 3 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड बायलेटरल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स एंड GS पेपर 3 से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हमारा INS कोची जो है रशियन शिप से इंटरनेशनल पेसेज एक्सरसाइज करने जाए, यानी कि पेसेक्स एक्सरसाइज करने गया है रशियन शिप से हमारा INS कोची। पेसेक्स एक्सरसाइज पहले US नेवी के साथ भी होती थी, अब रशिया के साथ होती है। देख लेते हैं रशिया मैप में, ये आर्कटिक सर्कल इसने कब्जा रखा है, सारा आर्कटिक सर्कल रशिया का ही है। की पॉइंट्स क्या है इसके, रशिया इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्यों, क्योंकि सारी स्ट्रेटेजी बनाने में, इंडियन ओशियन रीजन में सारी स्ट्रेटेजी बनाने में रशिया इंडिया की मदद करता है। ये IORA का भी मेम्बर है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का भी ये मेम्बर है। रशिया इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इन द आर्कटिक रीजन इंडिया हैज़ साइंटिफिक इन्वायरमेंटल कमर्शियल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इंडिया का आर्कटिक रीजन में। हाइड्रोकार्बन्स वहाँ भरे पड़े हैं, रशिया वहीं से निकालता है। नेचुरल गैस रिजर्वर वहाँ पर 80% है पूरे वर्ल्ड के। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स वहाँ पर कौन कौन से भरे पड़े हैं, डिपॉजिट्स कौन से हैं वहाँ पर आर्कटिक सर्कल में, कोबाल्ट, कॉपर, डायमंड्स, गोल्ड, आयरन, निकल, प्लेटिनम, हाई वैल्यू रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है एंड जिकोनियम है। ये देख लगते हैं आर्कटिक ओशियन, ये ना जो ऊपर सबसे ऊपर नॉर्थ पोल पर आर्कटिक ओशियन है। आर्कटिक अकाउंट्स में 90% रशिया निकल निकालता है, कोबाल्ट प्रोडक्शन करता है 60% ऑफ कॉपर एंड अवर 96% ऑफ प्लेटिनियम मेटल्स, यहीं से निकालता है रशिया। इंडिया के पास, इंडिया रिचर तो है रेयर अर्थ मेटल्स में लेकिन सिर्फ लाइटर में, हैवी में नहीं,
हैवी आर्कटिक सर्कल में मिलते हैं, इसलिए इंडिया और रशिया की बॉन्डिंग अच्छी होनी पड़ेगी। रशिया आर्कटिक सर्कल से ही सारे रेयर अर्थ मेटल्स निकालता है। जो अदर एक्साइज जो रशिया और इंडिया के बीच में होती है, एक है TSENTR मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्साइज है। इंदिरा एक्साइज है, एक जॉइंट ट्राई सर्विसेज आर्मी के बीच में होती है। ज़पाट एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्साइज है। INS कोची क्या है, ये हमने खुद बना है। कोलकाता क्लास ये गाइडेड मिसाइल है, हमारा डिस्ट्रॉयर है। प्रोजेक्ट 15 के ए के अंदर आता है। ये कंस्ट्रक्ट हुआ था किसके द्वारा, मेजागांव डॉक लिमिटेड के द्वारा मुंबई में। ये बाद में इंडियन नेवी को दे दिया गया 2015 में। और बहुत सारे नेवल सर्विसेज हैं, जैसे इंक्लूड करते हैं ज़ायद तलवार में ये पार्टिसिपेट करता है हमारा, कौन सा, INS कोची अल मोहिद अल हिंदी में करता है, जो सऊदी अरबिया के बीच में होती है। नोवल जॉइंट एक्साइज इंडिया यूज़ पेसिक्स में करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है वॉल्केनिक अरप्शन इन टोंगा। अभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि टोंगा में वॉल्केनिक अरप्शन हुआ, बहुत तेज़, बहुत भयानक। ये हमारा आर्टिकल GS पेपर 1 में, क्विक फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स, फिजिकल जियोग्राफी, वोल्केनोस से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, आप सब जानते हैं वोल्केनिक करप्शन हुआ है। साउदर्न पैसिफिक आइलैंड ऑफ टोंगा विच ट्रिगर सुनामी की वेव से वहाँ पर अंदाज़ा लगाया गया है। टोंगा आइलैंड हम देख लेते हैं, रिंग ऑफ फायर में आता है। रिंग ऑफ फायर कहाँ है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोल्केनो होती हैं। ये देख लेते हैं टोंगा आइलैंड की लोकेशन, ये ऑस्ट्रेलिया है। सबसे नीचे जो है साउदर्न पोर्शन में, ये न्यूजीलैंड के ऊपर जो दिख रहा है टोंगा आइलैंड है। इसकी आवाज़ 10,000 किलोमीटर तक गई है, इतना ख़तरनाक हुआ है। ये है रिंग ऑफ फायर। इंडोनेशिया में आप जानते हैं सबसे ज़्यादा वोल्केनो मिलते हैं। इसके की पॉइंट क्या है, ये अंडर सी वोल्केनिक करप्शन है, यानी कि सी के अंदर ही वोल्केनिक करप्शन हुआ है। इसका नाम याद रख सकते हैं आप, हंगा हापाई एंड होंगा टोंगो नाम है इसका। अरप्टेड हुआ है रेगुलरली ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, बहुत दिन से अरेप्ट हो रहा था, अब ऊपर आया है। दीज अरप्शंस वर स्मॉल एवर्डेड इन स्केल बाय द जनवरी 2020 इवेंट्स रफली एवरी 1000 ईयर्स। फ्यूल कोलेंट इंट्रैक्शन, इसका फ्यूल कोलेंट इंट्रैक्शन होता है। अब ये देख लेते हैं वोल्केनो के टाइप्स। सबमरीन वोल्केनो, सबमरीन अरप्शन जो आधा अंदर होता है पानी के और आधा बाहर होते हैं वोल्केनो। न्यू आइसलैंड अमर्स, यानी कि जब वोल्केनो अरप्ट होते हैं तो वो ऐसे जम जाते हैं, मैग्मा जब उसका निकलता है बाहर तो लावा की फॉर्म में, जब वो जम जाता है तो एक नया आइसलैंड अमर्ज हो जाता है। फ्यूल कोलेंट इंट्रैक्शन यानी कि वोल्केनो का जो मैग्मा होता है जब वो बाहर निकलता है लावा की फॉर्म में, तो उसका इंट्रैक्शन लगातार तेज़ी से पानी से हुआ है, इस वजह से इसका एरप्शन जो हुआ है वो बहुत तेज़ हुआ है और बहुत सारी कंट्रीज़ में इसकी आवाज़ भी सुनी गई है। इस वजह से इसको फ्यूल कोलेंट इंट्रैक्शन बोलते हैं। कभी कभी ये मैग्मा जो होता है 1200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर पहुँच जाता है। हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, टू वेपन्स ग्रेट केमिकल एक्सप्लोशंस ये होते हैं। ये पार्टिकल्स की फॉर्म में निकलता है जब मैग्मा लावा से, तो हाइपरसोनिक स्पीड में जाता है, यानी कि साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ स्पीड में। इसका इंपैक्ट क्या होगा, टेम्पररी ग्लोबल कूलिंग एज ए सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटोस्फियर में। इरप्शन जो हुआ है एटमोस्फेरिक दैट मे हैव ब्रीफली हेल्प क्लियर आउट द फॉग इन सेटल इन US। इरप्शन जो हुआ है ये देखा गया है कि 5.8 तक का मैग्नीट्यूड आया है अर्थक्वेक में। वोल्केनो देख लेते हैं, वोल्केनो एक ओपनिंग और रप्चर इन अर्थ सरफेस दैट अलाउस मैग्मा होता है इसके अंदर, ये कौन टाइप में होती है उसे वोल्केनो बोलते हैं। सबसे ज़्यादा ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होती हैं। ये मूवमेंट ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स देख लेते हैं, सबडक्शन, जब अर्थ को ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं तो सबडक्शन होता है, जब आपस में बिछड़ती हैं दूर दूर जाती है तो स्प्रेडिंग होता है। इसको कन्वर्जेंट और इसको डाइवर्जेंट भी बोलते हैं। और ये लेटरल स्लाइडिंग, जब आपस में घिसके निकल जाती हैं। इससे नुकसान क्या होते हैं, बहुत सारा फॉग निकलता है, धुआं निकलता है, जिसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट निकलते हैं CO2 SO2 मैग्मा के द्वारा। अब वोल्केनो के टाइप देख लेते हैं, तीन टाइप के वोल्केनो होते हैं, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एस्टिनिक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो के होते हैं जिनमें भरपूर मात्रा में मैग्मा चैम्बर होते हैं, यानी कि भरा रहता है पूरे अंदर तक। और डोरमेंट वोल्केनो कौन सी होती हैं, जिनमें आधा चैम्बर भरा होता है मैग्मा से। और एस्टिनिक्ट वोल्केनो वो वोल्केनो होती है जो डेड वोल्केनो होती हैं, इनमें मैग्मा चैम्बर नहीं होता। अंडरसी वोल्केनो, वोल्केनो विच इज़ लोकेटेड अंडर द ओशियन सरफेस, आप सब जानते हैं जो अंडरसी होते हैं उन्हें अंडरसी वोल्केनो बोलते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ये मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए इनका आंसर दें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।